नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी का तुम्हें मैंने रेगुलर व्यू देता हूँ, तो कल के लिए मतलब 24 दिसंबर 2019 के लिए मैंने स्टॉक्स चुना है, इसका व्यू आप लोग को दिखाऊँगा और इसका इक्विटी दिखाऊंगा, कमोडिटी का दिखाऊंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी का दिखाऊंगा और फ्यूचर्स का दिखाऊंगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैंने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर बेसिस पे देता हूँ और ये बाय सेल का रिकमेंडेशन देता हूँ वो आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल पे और भी बहुत सारा चार्ट का सेटअप और कैसे स्टॉक्स चुना है इंटरडे के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कैसे एनालिसिस करता है सकता है, ये सब बहुत सारा चीज़ जो मेरा नॉलेज में है वो मैंने एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस शेयर किया है, तो आप लोग भी देख सकता है, उसके आप लोग को जरूर बेनिफिशियल होगा। तो ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मैंने देखिए मैं जो वाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया उसमें मैंने दो फाइल बनाता हूँ, वाइसल लेवल वन और वाइसल लेवल कम स्किनर और वाइसल लेवल थ्री। तो वाइसल लेवल कम स्किनर में वाइसल लेवल वन रहता है, वाइसल लेवल टू रहता है, वाइसल लेवल थ्री रहता है और वोलेटिलिटी कुछ स्क्रीनिंग करने का चीज पैरामीटर्स रहता है, वोलेटिलिटी डिलीवरी परसेंटेज, चेंज इन प्राइस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ईएमआई का क्रॉस ओवर 3, 10, 10, 20, ये सब 5, 8, 13, 12, 16, 9, 12, 26, 9, 534 और ये सब चीज़ रहता है, बोलिंजर बैंड, इसी में को क्लाउड प्राइस चैनल, ये प्राइस चैनल ये भी आप लोग बाइसल लेवल मान सकता है, प्राइस चैनल और टीरन लेवल ये भी आप लोग एक बाइसल लेवल मान सकता है। तो ये मैंने ये सब देख के आप लोग स्क्रीनिंग भी कर सकता है, उसके बाद बाइसल लेवल देखेंगे कोई भी बाइसल लेवल वन टू और थ्री, उसके बाद आप लोग को 90% एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट आ जाएगा। और ये बाइसल इस सीट में बाइसल लेवल थ्री ले रखा है, थ्री को मैंने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों साइड में बाइसल रखा है। अप ट्रेंड जब और भी ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, अप ट्रेंड जब नीचे रहेगा आएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, और डाउन ट्रेंड जब और भी नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, और डाउन ट्रेंड जब इट के ऊपर जाएगा कौन सा लेवल सही रहेगा, और ये सब कौन सा लेवल पे कौन सा है ये भी आप लोग को इधर से दिख जाएगा। और इधर कुछ स्क्रीनिंग का चीज़ रहता है और भी कुछ ईएमआई का क्रॉस ओवर दिया है 9, 55, 20, 30, 100, ये सब का ईएमआई का क्रॉस ओवर देके आप लोग स्क्रीनिंग भी कर ले सकता है। और वाइसल लेवल थ्री में ऐसा ही है, ओनली 534 का ईएमआई क्रॉस ओवर रखा है और प्रीवियस क्लोज का हिसाब से करंट हाई लो क्लोज देखे एक स्क्रीनिंग का पैरामीटर्स रखा है। तो देखते हैं आज का जो मैंने स्क्रीनिंग करके रखा है वो आप लोग को दिखाता हूँ। ये वाइसल लेवल वन का बाई का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट वन से टारगेट फोर बढ़ाए तरफ, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट डाने तरफ, और सेल का भी ऐसा है, सेल का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट वन से टारगेट फोर बढ़ाए तरफ, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट डाने तरफ। और इसमें आप लोग को गैप अप और गैप डाउन का कंसीडर कर ले सकता है। सोच लीजिए मार्केट ऊपर गया, आप लोग मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियो देख सकता है और ये जो मेरा फाइल है ये मैंने पूरा शेयर करता हूँ मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे, इसका यूट्यूब वीडियो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा वो आप लोग देख लीजिए, उसमें ज्वाइन होकर आप लोग फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है और वाइसल लेवल परफॉर्मेंस देख सकता है, कैसे इसको यूज़ करना है वो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। और इसका सैम्पल फाइल भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक दिया जाएगा और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको सोच लीजिए, इसको 499.75 में ये क्लोज हुआ है, तो 503.20 के ऊपर ओपन हुआ है, तो इसको पास 504 सोच लीजिए, 504 में अब प्राइस चल रहा है, तो आप लोग उधर एंट्री लेंगे तो इस ये प्राइस और ये प्राइस तक आप लोग टारगेट देख सकते हैं और स्टॉप लॉस ये बन जाएगा, स्टॉप लॉस पिछले वाला लेवल बन जाएगा और टारगेट अपना ये सबसे रख सकता है, नहीं तो इसका ये लेवल पहले ये लेवल उसके बाद ये लेवल के लिए देख सकता है। और ऐसे करके आप लोग को देख लेना है, समझ लेना है कौन सा लेवल पे एंट्री लेना है
और इसके बाद टारगेट बाय सेल लेवल टू, ये है बाय सेल लेवल टू, बाय अब टारगेट वन टारगेट टू, सेल बिलो टारगेट वन टारगेट टू, उसके बाद बाय सेल लेवल थ्री मैंने दिखाता हूँ। बाय सेल लेवल थ्री में आर वन और एस वन बाय एंट्री लेवल और सेल एंट्री लेवल आएगा और ये सब टारगेट है, टारगेट है, ये है बाय सेल लेवल थ्री। इसका पिवट पॉइंट भी आप लोग स्टैंडर्ड जो पिवट पॉइंट है वो भी आप लोग नोट कर सकता है, बोलिंजर बैंड का वैल्यू भी आप लोग नोट कर सकता है, इसको आप लोग डेली चार्ट में आप लोग आके देख सकता है ये सही है कि नहीं है। प्राइस चैनल का वैल्यू नोट कर सकता है और टिरन लेवल VW का वैल्यू भी आप लोग नोट कर सकता है। और मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखाऊँगा, निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स और इंडेक्स दोनों ही रहता है, आप लोग देख सकते हैं फ्यूचर और इंडेक्स। ये बाई से लेवल वन चला गया, उसके बाद बाई से लेवल टू, उसके बाद बाई से लेवल थ्री आएगा, ये है बाई से लेवल थ्री। और इसका भी स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट आप लोग नोट कर सकता है, बोलिंजर बैंड, प्राइस चैनल, ये सब भी आप लोग नोट कर सकता है, टिरन लेवल भी आप लोग नोट कर सकता है, VWAP और आप लोग चार्ट में ला के वन डेली चार्ट में ला के भी आप लोग देख सकता है कि ये सही आ रहा है नहीं नहीं है। और क्रूड ऑयल देखिए मैंने कमोडिटी का दिखाता हूँ अभी, ऐसे लेवल वन टू, और बोलिंजर बैंड, ये कुछ फ्यूचर्स का लेवल भी आप लोग को दिखा देता हूँ, ये सब फ्यूचर्स का लेवल दिखाता हूँ, ये भी आप लोग लाइव मार्केट में चेक कर सकता है कितना प्रॉफिट दे रहा है नहीं दे रहा है। उसके बाद मैंने देखिए मैंने तो बाई से लेवल परफॉर्मेंस दिखा दिया था, उसके बाद लेकिन मैंने कमोडिटी का लेवल दिखा नहीं पाया। देखिए मैंने जो फाइल अगले दिन डाउनलोड किया था तो उसको अगले दिन जो शेयर किया था मेरा अपडेट सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उसमें मैंने उसका कैसे आज का परफॉर्मेंस कैसे रहा कमोडिटी का वो मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोग। देखिए ये हाई लो क्लोज था अगले दिन का, आप लोग भी चेक कर सकता है ऑन डेली चार्ट में, आप लोग को मिल जाएगा कल का हाई लो क्लोज। देखिए क्रूड ऑयल का जो इसमें बाई से इसका बाई लेवल था, सेल लेवल था 4290, इसका बाई लेवल था और 4290 सेल लेवल था। तो इसमें देखिए चार्ट में देखते हैं क्रूड ऑयल, देखिए ओपन हुआ है क्रूड ऑयल, ओपन हुआ है 4290 और 4332 तक आई गया, 4284 तक लग गया था। तो ये इसका बाई से लेवल वन में इसका 4290 और 4287, तो 4290 पहले ओपन होने के बाद 4296 तक हाई गया था, लेकिन इधर एंट्री नहीं हो पा रहा था 996 के, क्योंकि ये ओपन होने के बाद ही ये 4296 तक ओपन गया था, उसके बाद नीचे आया था, नीचे आने के बाद नीचे कितना दूर तक आया था, नीचे देखिए ये 4284 तक आया था। तो आप लोग चार्ट भी देख सकता है, इसमें आप लोग समझ भी सकता है, या देखिए 4287 से 4284 तक आया था, ज़्यादा दूर नहीं आ पाया। उसके बाद जब 4290 के ऊपर फिर से वे ऊपर गया तो ये ऊपर मतलब 43 आज का हाई हुआ था 4332, तो इसमें आप लोग एंट्री ले सकते थे बाई साइड में।